राजस्थान कोटा में 28 से 31 मार्च तक आयोजित हुए राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में देश भर से कुल 1700 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें 25 राज्यों से कोच और मैनेजर उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ से 45 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ की टीम में कोच सुबोध यादव रहे। इस स्पर्धा में विराटपुर जिले से बालिका वर्ग में प्रज्ञा यादव ने पहले राउंड में राजस्थान कोटा के खिलाड़ी को 7 पॉइंट से हराकर अपनी जगह बनाई और दूसरे राउंड में आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी को 12 पॉइंट से हराकर पीछे करते हुए अपनी जगह बनाते हुए तीसरे राउंड में मिजोरम के खिलाड़ी से कड़ा मुकाबला करते हुए 2 पॉइंट से पीछे रह गई, जिसके कारण प्रज्ञा यादव को ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट होना पड़ा। इसी तरह ओजस्वी केवर्त ने 29 किलो वजन वर्ग में मात्र 4 खिलाड़ी होने का फायदा उठाते हुए सीधे सेमीफाइनल राउंड में ही सिल्वर मेडल प्राप्त किया बिना फाइट किए, क्योंकि इनके वेट में 4 खिलाड़ी थे। वेट में खिलाड़ी कम होने की वजह से ये फाइनल राउंड में पहुंच गई। फाइनल राउंड में 6 पॉइंट से आगे रहते हुए ग्राउंड छोड़कर आने के कारण गोल्ड मेडल से वंचित रह गई। कौन से कैटेगरी में आप क्या खेले? मैं राजस्थान कोटा गई थी। मैं वहाँ पे मेरा कैटेगरी सब जूनियर कैडेट था। मैंने वहाँ पे प्रायोरिटी खेला और मैं फाइट की थी वहाँ पे। मैं 2 स्टेट से जीतते हुए सिल्वर पाई हूँ। गोल्डन मेडल में मैं कुछ दिक्कत के कारण हार गई। और कैसा लगा वहाँ पे आज खेल में? बहुत अच्छा लगा। आपका नाम बताओ? ओजस्वी कैडेट। ठीक, आएंगे ये शहर और बच्चों के लिए कितना अच्छा खेल है, क्या लगता है आपको? ताइक्वांडो बहुत ही जरूरी है बच्चों के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज हमारे समाज में इन्हों का शारीरिक विकास हो ही नहीं रहा है, क्योंकि स्कूल में भी इतनी ज़्यादा पढ़ाई होती है कि ये अपना फिजिकल वर्क कर नहीं पाते, और घर का भी सबका माहौल एकल फैमिली होने के कारण ऐसा हो गया कि सब सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित रह गए हैं। तो जब से मैंने अपने बेटी को ताइक्वांडो भेजा है, उसका बहुत ही अच्छा शारीरिक विकास हुआ है, उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हुई है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हर बच्चों को आनी ही चाहिए, जिससे कि उनका शारीरिक विकास बहुत ही अच्छा होता है और साथ साथ उनका मन बाकी सारी चीज़ों में भी लगता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, डिसिप्लिन बहुत सीखते हैं इससे, क्योंकि इसमें जो सर है उनको एक तरफा डिसिप्लिन सिखाते हैं, तो शायद हम पेरेंट्स उनको उतना नहीं सिखा पाते, क्योंकि हम उनको बहुत ही पैम्पर करके रखना चाहते हैं आजकल, क्योंकि एक या दो ही बच्चे होते हैं आजकल, तो हम उनको बहुत ही लाड़ प्यार देते हैं, जिससे कि उन पर डिसिप्लिन की कमी आती जा रही है। और जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस में यही रहा है कि जब से वो ये क्लास आ रही है, वो अपना काम खुद करने सीख गई है। वो 6 ईयर्स की है अभी, पर उससे उसका विकास उस हिसाब से बहुत ही अच्छा हुआ है। तो मैं सारे पेरेंट्स को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को ये ज़रूर कराएं। जी, आपका नाम? मेरा मोनिका गवाल।